अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां प्रियंका गांधी का आज छत्तीसगढ़ दौरा, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगी, रायपुर में रोड शो भी करेंगी। इसके अलावा राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी, कोतवाली चौक सत्ती बाजार में रोड शो करेंगी, अग्रसेन चौक से तेल खानी चौक तक के रोड शो होगा। और छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण का चुनाव होना है 17 तारीख को, उससे पहले जो है प्रचार प्रसार का सिलसिला लगातार जारी है। तो खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां प्रियंका गांधी का आज छत्तीसगढ़ दौरा है, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ आएंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी। तो खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा, अपने पिता राजीव गांधी की प्रतिमा पर सबसे पहले जो है प्रियंका गांधी माल्यार्पण करेगी, उसके बाद जो है कि जो भी कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस दौरे को, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में 17 तारीख को होना है, उससे पहले जो है प्रियंका गांधी जनता से आशीर्वाद मांगेगी, कांग्रेस को वोट दे इसकी अपील करेंगी, और लगातार जो है उनके साथ कई बड़े चेहरे भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या उसके अलावा भी कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता से आशीर्वाद मांगा जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रियंका गांधी के साथ रहेंगे, कार्यक्रम में जो है उनके साथ शामिल होंगे। करिश्मा हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी लेंगे। करिश्मा, अब चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष रह गए, एक दो दिन शेष रह गए, उससे पहले देखा जा रहा है कि तमाम पार्टियां छत्तीसगढ़ में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी के तहत देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का भी छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरा है। जी बिल्कुल अस्मिता, देख सकते हैं कि चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में जुट गई है। 70 विधानसभा में दूसरे चरण का चुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कई विशेष घोषणाएं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए की है, जिसके लिए देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं कि आज जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है, इस दौरे में वो चुनावी प्रचार प्रसार करके नजर आएंगे, साथ ही रायपुर राजधानी में वो रोड शो भी करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण उनका दौरा रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम समय चुनाव में बचा है, दूसरे चरण का चुनाव काफी करीब है, और ऐसे में रायपुर राजधानी में जो है देख सकते हैं सेंटर है और सभी की नजरें यहाँ की विधानसभाओं पर भी टिकी रहती है, तो उनका ये जो रोड शो है काफी ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस रोड शो में देखा जाएगा कि वो राजीव गांधी चौक में स्वर्गवासी राजीव गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगी, इसके पश्चात देखा जाएगा कोतवाली चौक से लेकर सत्ती बाजार से होते हुए अग्रसेन चौक से तेलंगानी चौक तक जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ये अपना रोड शो करने वाले हैं। तो देख सकते हैं काफी ये जो रोड शो होने वाला है लंबा रोड शो होने वाला है, और साथ ही में देख सकते हैं रायपुर राजधानी की जनता को साधते हुए भी नजर आएंगे, और साथ में महिलाओं के लिए भी कई सारी विशेष योजनाएं जो है लगातार कांग्रेस पार्टी निकालती आ रही है, और इस बार भी देखा गया कि घोषणा पत्र में 500 रुपए सब्सिडी सिलेंडर पर जो है कांग्रेस ने बात की है, जो की काफी आकर्षक है, और साथ ही में गृह लक्ष्मी योजना भी कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए चालू करने वाली, क्योंकि देख सकते हैं कि महिला वोटर्स जो है छत्तीसगढ़ में पुरुषों के मुकाबले कुछ प्रतिशत ज्यादा है, जिसे लेकर के देख सकते हैं दोनों ही राजनीतिक चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस महिलाओं को साधने में जुट गए हैं। तो देखा जाएगा प्रियंका गांधी का ये जो दौरा है इसमें वो महिलाओं को साधती हुई भी नजर आएंगी, और रायपुर राजधानी की जनता को देख सकते हैं हो सकता है की और कई नई घोषणाएं करती भी नजर आए। जी बिल्कुल करिश्मा, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, देखिए प्रियंका गांधी का रोड शो है और आचार संहिता का भी उसमें पालन करना है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता भी इस रोड शो में शामिल होने वाले हैं,
तो अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि अभी भी त्यौहार चल रहे हैं, भाई दूज का त्यौहार है और दीपावली पर जो है लोग अभी भी दिवाली मना रहे हैं, तो अगर हम उस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी अस्मिता, अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो रायपुर राजधानी में देखा जाता है कि भले ही कोई भी बड़ा दिग्गज नेता रायपुर राजधानी में आए तो सुरक्षा के पूरे जो बल है वो यहाँ पर तैनात रहते हैं। कल रात से ही रायपुर राजधानी के चौक चौराहों पर चेकिंग शुरू हो गई थी, जिसमें अलग अलग टुकड़ियों के जवानों को हमने देखा सभी गाड़ियों की चेकिंग करते हुए वो नजर आए। साथ ही में सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो रायपुर एयरपोर्ट से उनके आगमन तक और उनके जो है जाने तक जो है पूरी सुरक्षा के कड़े यहाँ पर जो है कदम उठाए गए हैं और जगह जगह पर देखा जाएगा कि बैरिकेडिंग भी की गई है कि कुछ रास्ते जो है वो आम जनता के लिए आवक जावक के लिए जो है छोड़े जाएंगे और जिस जगह पर उनका रोड शो है केवल उन्हीं रास्तों को जो है खुला छोड़ा जाएगा। तो सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूरे सुरक्षा बल जो है रायपुर राजधानी में तैनात है उनके छतों पर दौड़े के लिए। जी करिश्मा, अगर हम बात करें, लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी भी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और महिलाओं की जो योजना आ रही है उसको लेकर जो है बीजेपी भी लगातार जो है सक्रिय नज़र आ रही है। महतारी वंदन योजना बीजेपी द्वारा भी लाई जाएगी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। ऐसे में क्या लगता है आपको, आज प्रियंका गांधी विपक्ष को भी आड़े हाथों ले सकती है? जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी के इस दौरे पर खास तौर पर देखा जाता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता जो है छत्तीसगढ़ की ओर रुख तो कर ही रहे हैं। इससे पहले भी जब प्रियंका गांधी ने महिला सम्मान समारोह को संबोधित किया था उसमें बड़ी संख्या में कई सारी महिलाएं जुड़ी थी और महिलाओं के लिए उन्होंने लगातार जो विशेष योजनाओं का पहल किया और साथ ही में देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए 500 रुपए सिलेंडर पर जो है सब्सिडी की बात उन्होंने की। साथ ही में सुरक्षा के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस की सरकार अगर फिर से छत्तीसगढ़ में आती है तो उनका कहना है कि सुरक्षा के मामले पर जो है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे रहने वाली। साथ ही में जिस तरीके से आपने महतारी वंदन योजना की बात की तो मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि लाडली बहन योजना काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उसे भी देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में लागू करने की पूरी कवायद में है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 12,000 रुपए जो है सालाना हर मैरिड महिला के खाते में जो है भारतीय जनता पार्टी डालेगी, लेकिन इसका तोड़ भी जो है कांग्रेस ने निकाल लिया है। कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की जो है यहाँ पर बात की। दिवाली के शुभ अवसर पर देखा गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका ऐलान किया जिसमें 15,000 रुपए सालाना महिलाओं को दिया जाएगा, जिसे लेकर के कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी गंभीरता बनी रहेगी क्योंकि इस तरीके से लाडली बहन योजना और महतारी वंदन योजना की भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़कर 15,000 रुपए कर जो है छत्तीसगढ़ में महिलाओं को साधने की बड़ी कवायद यहाँ पर कर दी है। जी चलिए करिश्मा, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई छत्तीसगढ़ से, जहां प्रियंका गांधी का आज दौरा है और जिस प्रकार से करिश्मा ने भी जानकारी दी कि काफ़ी महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है क्योंकि जो है चुनाव नज़दीक है। आज 14 तारीख हो गई है और महज कुछ ही दिनों में यानी 17 तारीख को चुनाव होने हैं तो उस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है केंद्रीय नेतृत्व के दौरे।